आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों ने कीमती समय निकाला यहाँ पे आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही मैं मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो काम हमारे 70 सालों में नहीं हो रहे थे वो इन 8 सालों में हमारी हुकूमत में हो रहे हैं वो सारे काम। लेकिन ये बदकिस्मती है, जो ऑफिसर हमें चाहिए थे काम करने के लिए वो ऑफिसर यहाँ पे नहीं है। पीएचई का एग्जन है और अदनान साहब हैं पीएचई का, उनके ऑफिस में मैं 10 बार गई, वफद लेके गई थी और उन वफद के सामने मैंने फोन भी उनको किया। जैसे वो कोई एलजी साहब है तो वो फोन नहीं उठा रहा है। और मैं अपनी गवर्नमेंट को ये गुजारिश कर रही हूँ कि ऐसे ऑफिसर जो यहाँ पे हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, उनको जबरदस्ती क्यों हम रखेंगे, डिपार्टमेंट को एंगेज कर रहे हैं हम, उनको यहाँ से उठाइए बिहार भेज दीजिए, ये वहाँ पे देखेंगे कि काम किसको बोलते हैं करना। और रही आरएनबी के एग्जाम की बात, उसको भी 10 बार हम ऑफिस में गए हैं, वो एक बार भी ऑफिस में नहीं मिला। ऐसा कौन सा काम था, कौन सा आफत आया था कि वो एक बार भी ऑफिस में नहीं मिलता है? अगर उसको भी काम नहीं करना है, वो थक गया है, वो रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो बोल सकता है। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करती हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि उनको यहाँ से यूपी बिहार भेज दीजिए, ताकि उनको पता चले नौकरी किस चीज को बोलते हैं, नौकरी कैसे करते हैं वो इनको पता चले। क्योंकि ये यहाँ पे खाली मिली जुली सरकार चलाते थे, आज उनके काफी घपले हैं जो धीरे धीरे करके एक एक करके सामने आ रहे हैं। अभी उनको नहीं पता चल रहा है, काफी स्कीमें हमारी थी, ये अदनान साहब को भी मैं बोल रही हूँ, धीरे धीरे करके वो सारा हम लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको भी मैं वार्निंग दे रही हूँ, अगर आपको ड्यूटी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, आप रिटायरमेंट होके आप घर में बैठे, नहीं तो आपको हम बिहार भेजेंगे तो आपको अच्छी तरह नौकरी करना आएगा। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।